नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मेरा जो आने वाला वीडियो होगा वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे होगा। वो इसलिए भी होगा कि मैंने ये देखा है कि CGPSC देने वाले कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते उनके लिए केमिस्ट्री काफ़ी कठिन एक विषय बन जाता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो केमिस्ट्री है ये इसको मैं आसान कर पाऊँ। तो आज हम चालू करेंगे क्या, तो केमिस्ट्री। अब चूंकि हमें केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमको इसके बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले हम प्रयास करेंगे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को समझना। और पीरियोडिक टेबल में कौन सा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ध्यान देना होगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो आविष्कारक है वो डिमिट्री मेंडेलीव है। और इसी डिमिट्री मेंडेलीव के अगर इस पीरियोडिक टेबल को हम समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि CGPSC में ACF रेंजर भी एक एग्ज़ाम होता है, और ACF रेंजर में भी केमिस्ट्री के काफ़ी जटिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक ये इस विषय का हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री हमारे लिए हमेशा ही ये हमारे लिए कठिन विषय बने रहेगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस विषय को मैं कुछ बहुत तो आपके लिए क्या कर पाऊँ, सरल कर पाऊँ। तो आप ये देख सकते हो कि आपके सामने ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात ये है कि अगर इस पीरियोडिक टेबल को मैं भले भांति समझ जाऊँ तो मेरे लिए ये जो विषय है ये क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। तो हमको इसको समझना है। तो अब देखो कि इस टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखता है। केमिस्ट्री में नहीं भी तो 114 से ज़्यादा क्या है, एलिमेंट है। और इन सभी 114 एलिमेंट या 114 जो ज़्यादा एलिमेंट है इसको उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर प्लेस किया गया है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर इसलिए भी प्लेस किया गया है क्योंकि मेंडेलीव का ये मानना था कि केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट के वैलेंसीज पे, और जो वैलेंसी है वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में। इसलिए यहाँ पर एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर क्या किए हैं, प्लेस किए हैं। तो हम कैसे प्लेस किए हैं कि क्या एलिमेंट्स से, पहले हम ये देखते हैं। आप देख सकते हो कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ रोस दिख रहे हैं और कुछ कॉलम दिख रहे हैं। जो रोस है आप देख सकते हो कि जो रोस, जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल जो रोस हैं, इस हॉरिजॉन्टल रोस को हम क्या बोल रहे हैं, पीरियड। इस हॉरिजॉन्टल रोस की जो संख्या है वो 7 है। जैसे आप देखो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन से लेकर आप फ्रांसियम तक जाते हो नीचे तक, तो आप देख सकते हो कि आपको 7 लाइन दिख रहे हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोस को हम क्या बोलेंगे, पीरियड। ये क्या हो गया हमारा, पीरियड। वही अगर आप हाइड्रोजन से हीलियम तक जाओ तो हाइड्रोजन से हीलियम तक हम कुछ कॉलम्स देख रहे हैं, और ये जो कॉलम्स है ये एक वर्टिकल लाइन है, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, यहां पर ग्रुप बोलते हैं। तो ये पूरा जो आपका आवर्त सारणी है, ये पूरा जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड है। तो जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहे हैं वो क्या हुए, ग्रुप्स में। जो कॉलम आपको दिख रहे हैं वो क्या हुए, ग्रुप्स में। और जो आपको हॉरिजॉन्टल आपको जो रो दिख रहा है, जो लाइन दिख रहा है वो क्या हुआ हमारा, तो पीरियड हुआ और ग्रुप हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो पीरियड है वो एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ सेल को डिनोट करता है, और जो ग्रुप है वो इस एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। वो हम बाद में पढ़ लेंगे, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो तब सब आपको समझ में आएगा। तो समझ लीजिए जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइड है किसमें, पीरियड्स और रोस में। अब आपको यहां पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो, अगर मैं पीरियड और रो की बात कर रहा हूं,
तो जो पहला आपको जो रो दिख रहा है वो हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक है, और हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक में आपको दो ही पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा क्या हुआ, तो पीरियड हुआ। तो इस पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। उसके बाद ये देख सकते हो कि जब आप लिथियम से लेकर आप नियॉन तक जाओगे तो लिथियम से नियॉन के बीच में आपको एलिमेंट की संख्या, तत्व की जो संख्या वो 8 मिलती है। तो 8 मिलने के कारण ये क्या हुआ, शॉर्ट क्या हुआ, पीरियड हुआ। तो ऊपर का क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पीरियड, और नीचे के क्या हुआ, शॉर्ट पीरियड। तो हाइड्रोजन हीलियम कौन सा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, और लिथियम से लेकर जो नियॉन है वो क्या पीरियड हुआ, शॉर्ट पीरियड हुआ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है। फिर आप सोडियम से लेकर आप आर्गन जाइए, सोडियम से आर्गन के बीच में भी आपको कितने एलिमेंट मिलते हैं, 8 ही मिलते हैं। तो ये भी कौन सा पीरियड हुआ, इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। फिर जब हम पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आप पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाओगे तो पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन के बीच में जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है, 18 है। और 18 होने के कारण ये जो आपका पीरियड है, इस पीरियड को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। और वो सेम चीज आपको नजर आएगा कहां पर, रूबिडियम से लेकर जेनॉन तक। जो रूबिडियम से लेकर जो जेनॉन है वो भी जो हमारा पांचवा जो पीरियड है वो भी क्या हुआ, लॉन्ग पीरियड। लेकिन आप देख सकते हो जो सीजियम से लेकर रेडॉन है, जब सीजियम से लेकर आप रेडॉन जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि यहां 18 एलिमेंट तो है, लेकिन जो 57 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है, 57 नंबर के एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं लैंथेनियम। और जो लैंथेनियम है उस लैंथेनियम से 71 तक कुल 14 और एलिमेंट होते हैं, और उन 14 एलिमेंट्स के एक ग्रुप को, इस पूरे सीक्वेंस को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। तो यहां पर जो एलिमेंट की संख्या कितनी हुई, 18 + 14, तो कितना हो गया, 32। तो जो छठवा जो पीरियड है वो सबसे लंबा पीरियड है, और सबसे लंबा पीरियड इसलिए है क्योंकि यहां पर एलिमेंट की जो संख्या वो कितनी है, 32 है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर सातवा है वो एक्सटेंशन है किसका, छठवे पीरियड का, और वहां पर हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। सेम आपको दिख एलिमेंट दिखता है क्या क्या, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये आपकी, और जो एक्टिनियम के बाद जितने जो एलिमेंट्स आते हैं, या जो एक्टिनियम के बाद भी 14 एलिमेंट्स है, और इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो एक लैंथेनॉइड्स और एक क्या है, एक्टिनॉइड्स। तो अब ये ध्यान देना, जो सातवां जो पीरियड है, सातवां पीरियड में हम ये नहीं बोलते इसमें 32 ही एलिमेंट है, जितने भी जो नए आविष्कार होते हैं उन सभी नए आविष्कार वाले जितने जो एलिमेंट्स उसको हम यहां प्लेस करते हैं, इसलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। क्या पीरियड, इनकम्प्लीट। तो इस प्रकार से आप जो पीरियड है, जो पीरियडिक टेबल में जो पीरियड्स है उसको आप इस प्रकार से डिनोट करते हो। जो पहला जो पीरियड वो क्या है, शॉर्टेस्ट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 2। उसके बाद जो सेकंड जो पीरियड है वो क्या है, शॉर्ट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 8। फिर जो थर्ड जो पीरियड है वो भी क्या है, शॉर्ट है, और उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 8 2 8 8। फिर जो चौथा जो पीरियड है उसमें कुल मिलाकर जो एलिमेंट की जो संख्या वो कितनी है, 18। तो क्या हो गया, 2 8 8 18। उसके बाद जो आपका पांचवा जो पीरियड है उसमें भी जो एलिमेंट की जो संख्या है उसमें कितनी है, तो 18। और ये चौथा और पांचवा को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। उसके बाद जो छठवा और सातवा है, और खासा जो छठवा है, छठवे में लेंथेनॉइड्स को मिलाकर एलिमेंट की संख्या कितनी है, 32। तीसरी ये हमारा क्या बन रहा है, 2 8 8 18 32। और जो आपका सातवां पीरियड है, चूंकि सातवें पीरियड में जितने भी जो नए नए आविष्कार, जो जितने भी जो मतलब आने वाले जो हमारे क्या है, जो इन्वेंशन है, जो जो हमको आगे समय में जो मिलने वाले जो एलिमेंट है वो हम उसको यहीं पे प्लेस करने वाले हैं, इसीलिए ये पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट। और ध्यान दीजिएगा आगे चलकर यही 2 8 8 18 32 अगर हम ये समझ में आएगा तो हमको एटॉमिक नंबर निकालना किसी भी एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा वो कैसे होगा आगे चलकर, बस आप इसको अब ध्यान से देखते रहिए। तो ये था हमारा क्या, पीरियड टेबल। इस पीरियड टेबल को हमने रोस और कॉलम में हमने क्या किया, बांटा। जो कॉलम है वो हमारा क्या कहलाया, ग्रुप कहलाया, और जो रोस था वो हमारा क्या कहलाया, पीरियड कहलाया। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो संख्या है वो कितनी है, तो 7 है। कितनी है, 7। और जो रोस है उस रोस की संख्या आप देख लो, देखिए जो हाइड्रोजन से लेकर जो फ्रांसियम है वो हमारा पहला रो है,
हाइड्रोजन, उसके नीचे आपको लिथियम दिख रहा होगा, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा पहला क्या है, ग्रुप है। उसके बाद आपको दूसरा ग्रुप दिख रहा होगा, दूसरे ग्रुप में आपका मेरे क्या मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा, फिर लिथियम मिलेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। जो 3 से लेके 12 है, 3 से लेके 12 जो आपको जो ग्रुप दिख रहा है वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हमारे सीजीपीएससी मेंस का ये पाठ नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वीडियो में मैं आपको ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट भी आपको समझा दूं, तो चूंकि ये हमारा पार्ट नहीं, तो मैं इसको मैं क्रॉस करता हूं। फिर देखिए, जब ग्रुप नंबर 13 से लेकर आप कहां जाओगे, 18 जाओगे, तो 13 जो है वो किसका है, बोरोन का ग्रुप है। बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा और थैलियम आएगा। बोरोन के बाद कौन सा ग्रुप आता है, कार्बन का। कार्बन में क्या क्या आएगा, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन और उसके बाद लेड। उसके बाद कौन सा ग्रुप आ रहा है, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में क्या रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उसके बाद क्या ग्रुप आएगा, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलूरियम और फिर पोलोनियम। उसके बाद क्या ग्रुप आ रहा है, फ्लोरीन का, जिसमें क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्ट्राटाइन। और आठवां जो हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, नोबल गैस का, इनर्ट गैस का। इसको हम नोबल गैस, इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है, एलिमेंट है। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। ये क्या क्या है, तो पहला हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये 6 हमारा क्या था, नोबल गैस। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये इस आवर्त सारणी में 18 क्या है, तो ग्रुप्स है, ठीक है। अब इस 18 ग्रुप्स को देखो आप, इस 18 ग्रुप में जो पहला दो ग्रुप है, उस पहले दो ग्रुप को हम अपने पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक बोलते हैं। बीच का जो 3 से लेकर जो 12 जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट का। उसके बाद जो आपका 13 से लेकर जो 18 है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है, सॉरी कौन सा ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक है। और वही जो मैंने बताया था, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अलग से हम सेपरेट रखकर इसको एक ब्लॉक बोलते हैं, जो क्या हमारा एफ ब्लॉक। तो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो कुल मिलाकर 4 ब्लॉक में क्या है, विभाजित है। क्या क्या, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब जब मैं इस पीरियोडिक टेबल को देखूंगा तो ध्यान दीजिएगा, इस पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में जितने भी जो आपको एलिमेंट दिखते हैं, वो सभी तत्व बहुत ही अच्छे, एक परफेक्ट मेटल है, एक बहुत ही अच्छा धातु है। और जो एक्सट्रीम राइट है, उस एक्सट्रीम राइट में आपको बहुत ही अच्छा नॉन मेटल मिलेगा। तो लेफ्ट में क्या है, मेटल है, और राइट में हमारा क्या है, तो नॉन मेटल है। आप देख सकते हो कि जो आपके पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में क्या है, मेटल है, और राइट में क्या है, नॉन मेटल है। अब इस संपूर्ण पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल की जो संख्या वो 22 है। और ये जो 22 नॉन मेटल में जो 21 नॉन मेटल है वो आपको पी ब्लॉक में दिखेगा। और सिर्फ एकमात्र जो नॉन मेटल को बोलते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको एस ब्लॉक में दिखता है। नहीं तो एस ब्लॉक में जितने भी जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो सभी क्या है, तो मेटल है। एस ब्लॉक में एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन मेटल वो क्या है, तो हाइड्रोजन है। क्यों है वो आगे आने वाले वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। ये सिर्फ एक बेसिक क्लास है, मैं आपको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं किसका, पीरियोडिक टेबल में। अब तो आप देख सकते हो कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कुल मिलाकर जो ग्रुप की संख्या वो कितनी है, 2 है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जितने भी जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट क्या है, तो मेटल है। और जब हम आगे मेटल के बारे में पढ़ेंगे तब ये जानेंगे कि जो धातु होता है, जो मेटल होता है, वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जो उसका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है। तो धातु का जो ऑक्साइड है वो हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है, वो बेसिक होता है। और वो ऐसा बेसिक होता है जो इजिली वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में वो आसानी से घुल जाता है।
तो वो वाटर में घुल जाता है, वाटर में सोल्यूबल है, इसीलिए इस बेसिक को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं। इसलिए जो पहला जो ग्रुप है एस ब्लॉक का, जो पहला ग्रुप है उसके सभी मेटल को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। और वही जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में भी जितने भी जो मेटल है वो सभी मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वाटर में इजिली क्या होते हैं, तो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े मात्रा में हमें कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसके लिए हम इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। और एस ब्लॉक में जो दूसरा ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेकेंड ग्रुप के जितने भी जो मेटल है वो हमें इजिली मिलते हैं कहां पर, अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी के भू पट्टी में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये एस ब्लॉक में कितने जो एस ब्लॉक इसमें कितने ग्रुप हो गए, तो दो ग्रुप हो गए। वो आप ये देख सकते हो कि बाजू में पी ब्लॉक है, और उस पर जब पी ब्लॉक में आप जाओगे तो पी ब्लॉक का जो सबसे अंतिम जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस। और नोबल गैस मैंने आपको बताया था, ये वो इसलिए क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये स्टेबल क्या है, तो एलिमेंट्स हैं। तो स्टेबल एलिमेंट्स होने के कारण ये क्या है, नोबल गैस या इनर्ट गैस कहलाते हैं। वह जो सातवां ग्रुप है या जो 17th नंबर का जो ग्रुप है, जो 17th नंबर का जो ग्रुप है फ्लोरीन से लेकर एस्ट्राटाइन तक, आप देख सकते हो इस ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन। इसको हम हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो आसानी से मेटल से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, ये ऐसे अधातु होते हैं जो धातुओं से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जब ये धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, जब ये मेटल से रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट। और सॉल्ट प्रोड्यूस करने की इस टेंडेंसी के कारण इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, इन नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इनको हैलोजन्स। तो ये पूरे क्या हुए, जो आपको 17 नंबर के जो ग्रुप में आपको जो दिख रहे हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्ट्राटाइन है, वो सभी क्या है, हैलोजन्स है। ये हैलोजन्स इसलिए हैं क्योंकि ये आसानी से क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट। उदाहरण तौर पर देख लीजिए, आप एक मेटल ले लीजिए क्या, सोडियम। सोडियम क्या आएगा, Na+। और आप एक नॉन मेटल ले लीजिए इस हैलोजन से क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हो गया, Cl-। इस Na+ और Cl- को आप जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, NaCl। और NaCl क्या है, सॉल्ट। इसलिए सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, तो ये हम ये क्या है, हैलोजन्स है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल बोरोन जो है, बोरोन से अगर आप एक लैडर खींचिए कहां तक, पोलोनियम तक, तो आप देख सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, बोरोन मिलेगा। बोरोन के बाद आपको क्या मिलेगा, सिलिकन। सिलिकन के नीचे आपको क्या मिलेगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद क्या मिलेगा आपको, आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद क्या मिलेगा, एंटीमनी। एंटीमनी के बाद बाजू में आपको क्या मिलेगा, टेलुरियम। और टेलुरियम के नीचे आपको क्या मिलेगा, पोलोनियम। जो हमारे पी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स को मैं बोलता हूं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल ये दोनों के प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो इसलिए क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स कहलाएंगे। तो मेटलॉइड्स यहां पर क्या है, बोरोन है, फिर क्या है, सिलिकन, जर्मेनियम, और उसके बाद क्या है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके बाद टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये सब हमारा क्या है, तो मेटलॉइड्स है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेटलॉइड्स है, इस मेटलॉइड्स के जस्ट बाजू में जितने भी जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सभी एलिमेंट्स, मतलब अगर आप इस मेटलॉइड्स के लेफ्ट में एकदम पास के आप लेफ्ट में देखिए, तो पास के आप लेफ्ट में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्युमिनियम मिलेगा, गैलियम मिलेगा, इंडियम मिलेगा, टीन मिलेगा, थैलियम मिलेगा, लेड मिलेगा। तो ये जो आपको जो मेटल दिख रहे हैं, इन सभी मेटल को हम बोलते हैं बेसिक मेटल, मतलब जो आपका मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स के जस्ट बाजू में, मतलब एकदम पास के लेफ्ट में जितने भी जो मेटल्स हमको मिलते हैं, वो सभी मेटल्स क्या क्या होते हैं, तो वो सभी मेटल बेसिक मेटल कहलाते हैं। बेसिक मेटल में क्या क्या आएगा, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीन, और टीन के अलावा थैलियम और लेड। तो ये सब क्या है, बेसिक मेटल्स कहलाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड में जितने भी जो आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, वो सभी एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल।
और मेटलॉइड्स के लेफ्ट में जितने भी जो आपके एलिमेंट्स है वो सब क्या है, मेटल है। और कैसे मेटल है, या तो वो बेसिक मेटल है, या तो वो ट्रांजिशन मेटल है, या तो वो अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान देना होगा, जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स आर वेरी गुड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की मैं बात करूंगा तो मेटलॉइड्स का मैं यूज करता हूं, मतलब जो सिलिकन है और जर्मेनियम है, सिलिकन और जर्मेनियम इसका हम डायोड बनाते हैं, ये सेमीकंडक्टर के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो कभी आपसे पूछेगा आगे चलकर कि मेटलॉइड्स का उपयोग कहाँ होता है, तो मेटलॉइड्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में, उदाहरण क्या, जर्मेनियम और सिलिकन। हम पढ़ेंगे इसको अलग से जब मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जब उसको मैं डिफरेंस आपको समझाऊंगा। तो ये था हमारा क्या, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन। तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर ये समझाऊंगा तो ये ज़्यादा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए, और हो सकता है कि आने वाला जो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस का होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस को समझाऊंगा तो ये जो पीरियोडिक टेबल का जो आपने जो आज सीखा है वो और उसमें आसान होगा, वो और ज़्यादा उसमें क्लियर होगा। तो मेरा अगला जो वीडियो है, जो कल का जो मेरा वीडियो होगा, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, वो मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस के बीच में होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और इस प्रकार आप मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।